हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए दमदार वीडियो में। हम मसीह के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, पिता से प्रेम करते हैं तो आप पिता की आज्ञाओं को भी मानते होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप और आपके घर परिवार अच्छे होंगे, खुश होंगे, पिता के प्रेम में बढ़ते होंगे, पिता के पीछे अपना क्रूस उठाकर बढ़ते होंगे, चलते होंगे। ठीक है, यदि आप कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं तो भी छोड़ दो, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ठीक है, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा सोचो, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप करते हैं तो छोड़ दो, बंद कर दो। कब तक अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? अरे बंद करो नाटकबाजी और लाइन पर आ जाइए। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। वो जान निकाल लेगा। परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। याद रखना, आप ये सोचते कि मैं पाप भी करूँगा और मैं स्वर्ग भी चला जाऊँगा, नो, आप गलत हो। कि जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किए हैं, टीलों में किया, अंधेरे में किया, झाड़ियों में किया है, उनको यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु मसीह उसी मसीह विश्वासी के लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा, वरना अन्यथा उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं परमेश्वर हमें अनंतकाल का जीवन दे देगा, ऐसे नहीं परमेश्वर हमें अनंतकाल का जीवन दे देगा, अमर जीवन दे देगा। भाई आप तो पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, अंत के दिनों में यही मस्ती आपको एक दिन डुबो कर रख देगी, यही मस्ती आपको एक दिन नरक में लेकर चली जाएगी। उस परमेश्वर से डरो, डरो, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। हाहाकार मचा होगा इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में, जिस समय इस धरती के ऊपर से कलीसिया उठा ली जाएगी, शुरू हो जाएगा 7 साल का महाभारी क्लेश काल का, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करते रहो, तुम्हें भागना ना पड़े, जाड़े में सप्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश आने वाला है जैसा जगत के आरंभ से ना हुआ, अब तक फिर कभी ना होगा। समय कम है या दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। बचा लो, सुधर जाओ, तैयार करो अपने आप को। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक नाटकबाजी करते रहोगे? क्या अंत नहीं? तभी तो अंत होगा इन सब पापों का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी तो सब अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी तो अच्छे से कुशल से आयस और आराम से ज़िंदगी बिता रहे हो। याद रखना, ऐसी ही ज़िंदगी लोग नूह के दिनों में बिता रहे थे, अच्छा खा रहे थे, पहन रहे थे, जब तक उन सभी को जल प्रलय बहाकर लेकर चला ना गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। और वैसे ही आज के दिनों में भी हो रहा है, शादियाँ हो रही है, ब्याह हो रहा है, पाप अधिक ज़्यादा बढ़ चुका है, अच्छे से खा रहे हैं। लोगों को सच्चाई बताओ, सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, सच्चाई सुनने से अपने कान फेर लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, सत्य को सुनना ना चाहेंगे, सच्चाई सुनना नहीं चाहेंगे, बस अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे, अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे। समय कम है, दिन बुरे हैं, बचा लो अपने आपको। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।